हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का अनस ब्लॉग चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कछुए को खाना कैसे खिलाएं। सभी लोग का यही सजेशन रहता है कि कछुए को खाना कैसे खिलाएं। देखिए, कछुए को खाना खिलाने का कोई तरीका नहीं होता है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितने अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, कितना अच्छे से अच्छा खाना दे रहे हैं, उसी पर निर्भर करता है। और दोस्तों ये जो एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो भी ये खाना पीना छोड़ते हैं, ये टेम्परेचर की वजह से छोड़ते हैं, जो तापमान होता है उसकी वजह से छोड़ते हैं। जैसे एकदम से ठंड पड़ गई या गर्मी पड़ गई, तो इससे भी ये अपना खाना छोड़ देते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, घरों में यूवी लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर यूवी लाइट नहीं है तो हैंडी वाटर का बल्ब भी लगा सकते हैं। तो नेचर में तो सनलाइट मिलती है, जो सूर्य किरण होती है वो मिलती है नेचर में, तो घरों में वो हम प्रॉपर तरीके से इसको नहीं दे पाते हैं। तो यूवी लाइट का या हैंडी वाटर का बल्ब भी आप लगा सकते हैं, उसका प्रयोग ज़रूर करें। जिससे क्या होता है कि अगर वो इसको बराबर तरीके से मिलेगा यूवी लाइट, तो उससे इसकी भूख बढ़ती है, जो भी इसकी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे से काम करना शुरू करते हैं, और इंटरनल ऑर्गेनाइज जो होते हैं काम करना शुरू करते हैं, इसको भूख लगती है और खाना अच्छे से पचता भी है। इसीलिए घरों में यूवी लाइट या एंटीबायोटिक का बल्ब का प्रयोग करें। और जिस एरिया में रखते हैं आप इसको, उसकी साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। जैसे कि आप 3-4 दिन के बाद साफ सफाई कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ जाती है इसके जो पानी में, तो इससे उससे भी खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। इसका ध्यान देना भी आपको ज़रूरी है। और बाकी दोस्तों, जैसे कि कछुए को 12 घंटा पानी में रहना भी अनिवार्य है, ज़मीन में रहना भी अनिवार्य है, क्योंकि ज़मीन में अगर रहेगा तो उसकी जो बॉडी है वो अच्छे से सूख जाती है। और सूखने के कारण क्या होता है कि उसका बॉडी का तापमान थोड़ा मेंटेन रहता है, और जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से काम करना शुरू करते हैं, उसकी भूख बढ़ती है, इससे वो खाना बंद नहीं करता है। अगर आप बराबर तरीके से इसको सनलाइट या यूवी लाइट का प्रोवाइड नहीं कराओगे तो ये खाना पीना छोड़ देगा। अगर यूवी लाइट आप नहीं भी लगा सकते हैं, तो आप सनलाइट इसको प्रॉपर तरीके से दें, ठीक है। तो दोस्तों यही आज का मेरा टॉपिक था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि ऐसे आने वाली वीडियो जो भी जानकारी मैं डालूँगा आप तक आसानी से पहुंच पाए, और आपको पता चले कि कछुए को कैसे रखाया जाता है और क्या क्या चीज़ें खिलाई जाती है। और उसको मैं दूसरी वीडियो बताऊंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।